हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर एक मेजरमेंट पार्ट वन। तो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि कोई भी चीज़ को मेजर करना, यानी कि वो चीज़ कितनी मेजरमेंट की है, यानी कि ये चौक है तो कितना मेजरमेंट है, यानी कि ये दो चौक है हमारे पास, कोई एक छोटा चौक है, बड़ा चौक है, लाइट है या फिर हैवी है, फिर लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, वो सारी चीज़ें किसमें आती है स्टूडेंट? मेजरमेंट में। मेजरमेंट यानी कि वो चीज़ का माप लेना। ओके, यानी कि आप लोग के पास क्या होती है ना कि आप लोग कहीं कोई भी चीज़ करते हो, या फिर ब्लैंक्स करते हो, या फिर टेबल्स करते हो, या फिर बॉक्स बनाते हो, या फिर ड्राइंग करते हो, तो आप लोग क्या करते हो? स्केल को यूज़ करते हो। वो स्केल को यूज़ करके आप फिर वो जो आपको ड्रॉ करना होता है वो ड्रॉ करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो स्केल को हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके, आप सभी के पास स्केल है। आपके पास क्या होती है? स्केल यानी कि रूलर। कोई भी चीज को हमें मेजर करना हो तो क्या करेंगे? हम स्केल को यूज करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। मेजरमेंट यानी कि हमें देखना है कि कौन सी चीज बड़ी है या फिर छोटी, या फिर कौन सी चीज लॉन्ग है या फिर शॉर्ट, कौन सी चीज लाइट है या फिर हैवी। ओके, तो ये मेरे पास बुक है और ये मेरे पास शॉप है, कौन सी चीज है वो बड़ी है? Which item is a long book? तो क्या आएगा आंसर? Book। Which item is a light? यानी कि light कौन सा है? यानी कि सबसे कम वेट वाला। तो book या फिर chopstick? Chopstick। Okay student? तो आपको क्या करना है? अच्छे से अपनी book में जो exercise दी है, वो book में exercise करेंगे अच्छे से। जैसे उसमें बहुत सारे pictures हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी पिक्चर्स है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे विथ फन, यानी कि थोड़ी सारी मस्ती करते करते एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है? टेक द वन दैट, यानी कि हैज अ लॉन्गर टेल। यानी कि लॉन्गर टेल किसकी है? हॉर्स की है या फिर शिप की? किसकी है स्टूडेंट्स? हॉर्स की। यस, तो हम क्या करेंगे? हॉर्स वाले पिक्चर के वहाँ टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो स्टूडेंट्स, शिप में शो में क्या मिलता है? यस, ऊन। क्या मिलता है? ऊन, जिससे आप क्या पहनते हो? स्वेटर्स। उसमें से क्या मिलता है? स्वेटर्स, कैप, शॉल, फिर वो ब्लैंकेट्स, वो सारी चीज़ें हमें किस में से बनती है? शिप की ऊन में से। ओके, अब तो विंटर स्टार्ट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट बी नंबर देखेंगे, हैज़ अ शॉर्टर नेक, यानी कि किसका नेक शॉर्ट है, यानी कि छोटा। तो ये क्या है? जिराफ। एंड ये क्या है? डॉग। तो किसकी नेक है वो शॉर्ट है? जिराफ की, वो तो लॉन्ग है, डॉग की शॉर्ट है। तो क्या करेंगे हम? डॉग के ऊपर टिक करेंगे।
द नेक्स्ट इज हैवियर, कौन सा हैवियर है? यहाँ पे एक फैदर दिया है एंड देन स्टोन दिया है, तो हैवी कौन सा होगा, यानी कि भारी चीज़। तो भारी चीज़ कौन सी होगी? यस, क्या होगा? स्टोन। तो हम स्टोन के ऊपर टिक करेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे लाइटर, लाइटर यानी कि कम वेट वाला, यानी कि बैट है या फिर बॉल। बैट तो हैवी होता है ना, वो हम क्या करते हैं, दो हाथ से हमें पकड़ना पड़ता है, और देन बॉल वन हाथ से हम कैच भी कर सकते हैं एंड थ्रो भी कर सकते हैं। तो विच इज़ अ लाइटर आइटम? बॉल। तो हम क्या करेंगे, बॉल के ऊपर टिक करेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, सर्कल द बिगेस्ट एनिमल। बिग एनिमल कौन सा है? फर्स्ट हमें रैबिट दिया है, देन कैट दिया है एंड देन माउस। तो विच इज द बिगेस्ट एनिमल? बिगेस्ट यानी कि बड़ा, कौन सा है? यस, रैबिट। तो क्या करेंगे हम, रैबिट के ऊपर सर्कल करेंगे, ये हो गया सर्कल। देन नेक्स्ट सर्कल द शॉर्टेस्ट डॉल, यहाँ से फोर डॉल दी है, कितनी डॉल है, 1 2 3 4, फोर डॉल है। तो फोर डॉल में से सबसे शॉर्ट यानी कि छोटी वाली डॉल कौन सी है, तो दिस वन लास्ट वाली डॉल। तो क्या करेंगे हम, लास्ट वाली डॉल के ऊपर सर्कल कर देंगे। कंप्लीट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देन नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, पुट अ टिक अगेंस्ट द लॉन्गर रोप, यानी कि रोप दी है दो, तो उसमें से लॉन्गर यानी कि बड़ी वाली यानी कि लंबी कौन सी है, फर्स्ट या फिर देन सेकंड? यस, फर्स्ट रोप इज अ लॉन्ग। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रोप के बॉक्स में टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुट अ क्रोच अगेंस्ट अ लाइटर फ्रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्रोच करना है, राइट टिक नहीं करना है, यानी कि लाइटर फ्रूट यानी कि कम वेट वाला जो हमारा फ्रूट है उसके ऊपर हमें क्रोच करना है। तो ये क्या है, वाटरमेलन एंड देन मैंगो। तो वाटरमेलन तो बहुत क्या होता है, हैवी होता है, बड़ा फ्रूट है, एंड देन मैंगो वो छोटा फ्रूट है एंड कम वेट वाला। तो क्या करेंगे, मैंगो इज अ लाइटर फ्रूट, यानी कि मैंगो के ऊपर हम टिक करेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थिंक एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आप फैमिली में रहते हो ना, आपके फैमिली में कौन कौन होते हैं, मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अंकल आंटी, कई कई विद फैमिली रहते हैं, और कई 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 लोग कैसे होते हैं, ओनली अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपके पेरेंट्स में जो भी लॉन्ग पर्सन है यानी कि सबसे ऊँचा, यानी कि मम्मा है पापा है या फिर भाई है या फिर अंकल है या फिर ग्रैंडफादर, तो क्या करना है, उसका आपको यहाँ पे नेम लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट द शॉर्टेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, तो शॉर्टेस्ट यानी कि कम हाइट वाला यानी कि छोटा। तो आई होप कि आप ही छोटे होंगे या फिर आपके सिस्टर या फिर ब्रदर होंगे आपसे छोटे, तो वो भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका नेम लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर द फॉलोइंग मार्क्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट मग, यानी कि सबसे टोल यानी कि बड़े वाले मग से हमें नंबर्स लिखना है। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 मग है, तो 3 मग में से किस मग को कितना नंबर मिलेगा वो हमें देखना है। तो सबसे टोलेस्ट यानी कि बड़ा वाला मग कौन सा है, रेड वन। तो क्या करेंगे, रेड को हम 1 नंबर देंगे, देन ब्लू एंड देन येलो। तो कौन सा बड़ा है, ब्लू, तो क्या करेंगे, ब्लू को 2 नंबर देंगे एंड येलो को 3 नंबर देंगे, यानी कि 3 नंबर्स हमें मिल गए हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, मेजरिंग लेंथ, यानी कि वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विथ एन अदर ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे कंपास बॉक्स दिया है एंड देन टूथब्रश दिया। तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन दी है और इसके नीचे भी लाइन दी है। तो लाइन किसकी है, मैचस्टिक्स की। किसकी लाइन है, मैचस्टिक्स यानी कि बाकस की जो सली आती है वो, यानी कि देखो ये कंपास बॉक्स है तो कितने मैचस्टिक्स है, 1 2 3 4 5 फाइव मैचस्टिक्स है, यानी कि अबाउट फाइव मैचस्टिक्स लॉन्ग, यानी कि जब हम फाइव मैचस्टिक्स से एक लाइन बनाएंगे तो वो कंपास बॉक्स जिसकी उसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, देन टूथब्रश है तो टूथब्रश में कितनी मैचस्टिक्स हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 मैच स्टिक्स को हम यूज़ करेंगे तब हमें हमारी टूथब्रश की लेंथ मिल जाएगी। ओके, यानी कि हमने लेंथ काउंट की है, यानी कि 7 स्टिक्स को यूज़ करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ये वो लाइन कितनी होंगी, टूथब्रश जितनी। ओके, थैंक, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर योर पेंसिल बॉक्स एंड ऑब्जेक्ट वी इनसाइड इट विद द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप, यानी कि देखो आपको यहाँ पे पेपर क्लिप दी है तो क्या करेंगे हम लोग, ये पेपर क्लिप को यूज़ करके यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमें पिक्चर्स दिए हैं वो पिक्चर्स कितने मेजरमेंट के हैं वो हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे, यानी कि क्लिप को यूज़ करेंगे तो वो क्लिप कितनी चाहिए ये पेंसिल को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ क्लिप को, अबाउट 2 पेपर क्लिप, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2। क्लियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट स्केल को यूज़ करेंगे हम, अबाउट 4 पेपर क्लिप चाहिए, कितनी पेपर क्लिप चाहिए, 4। देन नेक्स्ट क्रेयॉन कलर है, कितनी पेपर क्लिप चाहिए, 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पेपर क्लिप लेनी है एंड देन फिर उसके बाद मेजर करना है। ओके, हाउ मैनी पेपर क्लिप, 3, यानी कि 3 पेपर क्लिप को यूज़ करेंगे तब हमें कंपास बॉक्स की लेंथ मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने लेंथ हमने फाइंड की है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।